निवेदन कर लीजिएगा कि वाराणसी कबड्डी टूर्नामेंट का एक और जबरदस्त मुकाबला टीमें लाइनअप हो गई है। जसौर खेड़ी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, हम लोगों के मार्गदर्शक बड़े दूसरी तरफ आईटीबीपी की टीम रहने वाली है। मोहम्मद अकरम जी जो संयुक्त सचिव है वो भी मौजूद है। भाई सतीश जी कुछ युवा चेहरे देखने को मिले हैं इस टीम में और हम लोगों के सबसे लाडले कहना नहीं चाहिए जी मौजूद है। ऑफिशियली राजेश कुमार सिंह जी महासचिव जी मौजूद है जी। अरविंद पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई है। भाई बाबूलाल जी को आपका सहयोग हमेशा सभी भाइयों को दिन रात देख करके खड़े होते छुट्टी बाहर भी तीनों भाई बाहर हैं और लेकिन छुट्टी लेकर सभी भाई यहाँ मौजूद अपर चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यूपी के कोच है। अरे यही टीम दूसरे ग्राउंड पर भी भेजिएगा वकील साहब। आज आप सेटिंग आप करेंगे, आपका अंपायर में ड्यूटी रहेगा, आप यहाँ मौजूद रहिए। साथियों मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है, दोनों टीमें बेहतरीन टीमें हैं। साथियों मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है, हालांकि इस टीम में भाई जसौर खेड़ी में मोहित आपको नहीं देखने को मिलेगा इस मुकाबले में। ग्रुप फोटो सेशन चलता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कोर्ट नंबर दो पर, सभी अतिथि हमारे कोर्ट नंबर दो पर। टॉस होता हुआ भाई साथियों, एक तरफ वीर सिंह को मैं कैप्टन है एक बात और बता दूं आईटीबीपी टीम के भाई हमारे दूसरी तरफ कबड्डी के ऑफिशियल रवि कूलर मैं इसी तो पहुंचता है इसके पहले ही जो है मेरी भावनाओं मुकाबला स्टार्ट होता हुआ साथियों पहली बार एटीबीपी की तरफ से विजय मलिक 7 नंबर जर्सी में बड़ी लंबी गत काटी है इस खिलाड़ी की। हरियाणा से बिलोंग करता है खिलाड़ी और हरियाणा की टीम के सामने अपना प्रतिनिधित्व करता हुआ पहली रेड एम्पीरियड देखने को मिली है करमवीर। गुरु फोटो था एक एक स्कोर पर खाता खुल चुका है दोनों टीमों का। इसी रेड में दावा जरूर किया था 2 पॉइंट का लेकिन 1 पॉइंट मिला लंबी रीच डिस्क लाने की। देखिए कोर्ट नंबर 1 पर हरियाणा 11 और आईटीबीपी के बीच शानदार मैच चल रहा है। कोर्ट नंबर 2 पर एसएसएनएन अकादमी बागपत और लेकिन फायदा मिलेगा एक बार फिर जेडी अकादमी गौतम बुद्ध के बीच में शुरू होने वाला है। यथार्थ आज बहुत अच्छे अच्छे मैच खेले जाएंगे। इंजरी हुई थी ऑफिशियल हमारे एकदम अलर्ट रहेंगे। बेहतरीन साइड किक है यार।
अमर सैनिक अधिवासी ने कोर्ट चूज किया है। भाई अभी तक मुकाबले की बात की जाए तो 3-2 स्कोर है हरियाणा एक पॉइंट की लीड में और करमबीर लगातार कामयाबी मिली है करमबीर को। एक मात्र रेडर जो इस समय तक हम दिखाता हुआ ये बेहतरीन पर भी मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कराए, देर मत करिए, बहुत सी मैच खेले खेलना है। इन को ग्राफ्ट में लिया ऑफिशियल कोर्ट नंबर 2 पर मैच तुरंत स्टार्ट कराएं, आज बहुत सी मैच होना है, समय कम है हमारे पास, आज सेमीफाइनल फाइनल आप देख ही रहे थे, कल 5 बजे के बाद भी मैच शुरू नहीं हो पाया खेल। कोई खिलाड़ी बीच में नहीं बोलेगा, हमारे अंपायर सब क्वालिफाइड है। कॉर्नर को इस तरह के थाई होल कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पप्पी का कमाल का थाई होल था। स्कोर की बात करें तो 4-2 स्कोर है। इस खिलाड़ी पर निकाल रहेगी इस मुकाबले में, पूरे मुकाबले अद्भुत खिलाड़ी है। उत्तर प्रदेश के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने। ये कोड नंबर 2 पे खिलाड़ी ध्यान दे, मछली बाजार में नहीं है। निर्णायक कार्ड आप निकालिए। बोनस आगे पे ऑफिशियल जो हरा कार्ड दिखाया था, हरा कार्ड ही निकाली, ये नहीं सारे कार्ड निकाले एक साथ दिखाई और पीछे दूसरा को दिखाई दे रहा है। बेटा जो स्कोर बोर्ड के सामने लड़का खड़ा है, जरा हट जाओ किनारे,
पीछे हट के कुर्सी पर बैठ जा बेटा। चार स्कोर जी अकेडमी एक पॉइंट की लीड में। तीनों का है फ्री डिफेंडर्स को छह सात का स्कोर है एक पॉइंट की लीड में। खिलाड़ी को सुपर टैकल किसी को एक सुपर टैकल कर चुकी है बस ये थी एक सुपर रेड लगा दिया आपको इसका मार के रहा है आपको बहुत ही रहा है आशीष की 8-6 स्कोर 2 पॉइंट की लीड आईटी के पास सुपर डायरेक्ट लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में अमित ने बाहर किया कमर सैन अकेडमी की उम्मीदों को बस किया है ऑल आउट देते हुए चार स्कोर छह पॉइंट के लिए समय जेडी कॉपी के पास देखिए कोई लास्ट वार्निंग नहीं होती आपके पास कार्ड है करती हुई टीम बेहतरीन टीम है ये वापसी करने के लिए वाली टीम विराट जबरदस्त कैच सात नौ स्कोर वन टेक्निकल पॉइंट बाकी भाई टेक्निकल पॉइंट मिला क्योंकि लगातार वार्निंग दी जा रही थी आपको पूरी टीम भाई लगातार टीम को ठीक कराने के लिए प्रॉपर प्रयास करता हुआ खिलाड़ी टेक्निकल पॉइंट के साथ सात दस स्कोर हो गया है नीचे
8-9 स्कोर। दो डाइवर रोहित तोमर पांच के डिफेंस में, दो खींचे लेफ्ट में, दो खींचे राइट में, सेंटर में लकी पप्पी ने एक बेहतरीन कैच लगाई थी, इसके बाद टीम को ऑल आउट मिला था और टू और डाई रेडर रिस्क लेना है रेडर को। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 लकी और कैच लगा दी। क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है, दावा जरूर किया जा रहा है। बोनस का प्रयास जरूर किया है, बोनस बुला है और एंगल होल्ड भाई। स्कोर की बात करें तो 10-10 स्कोर बराबर है। लीड मांगी हरियाणा के लिए। हमारे का स्कोर है तीन खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल की सिचुएशन। अमन क्या टीम को जो मझधार में फंस रही है नैया उसे पार लगाएंगे। कोर्ट नंबर एक पे ITBP और हरियाणा के जो मैच चल रहा है, ITBP ने 10 अंक बनाए हैं जबकि हरियाणा ने 11। 10-11 का स्कोर। कोर्ट नंबर दो पर बागपत ने 8 अंक बनाए हैं जबकि जेडी एकेडमी ने 12 अंक। आप देख रहे दोनों कोर्ट पर जबरदस्त मैच चल रहा है दर्शकों के लिए, दोनों एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट का अंतर चल रहा है। और एमपी रेड टू और डाई पर जाएगा पूरी तरह से मैच। चार अंकों से पीछे थी लेकिन अब दो अंकों से आगे हो, 15 बागपत 13 जेडी एकेडमी। लास्ट खिलाड़ी अमन क्या टाल पाएंगे ऑल आउट को। तेरह सोलह स्कोर 3 पॉइंट की लीड आई।
खिलाड़ी आपका काम है खेलना। अरे आ जाएंगे लाते चलो उधर चलो उधर आप पर विराज का डैश था विजय पर क्या नहीं आएगा रेटर सेफ है भाई वन पॉइंट है वो जाके सेंटर लाइन टच किया फिर आउट ऑफ बाउंड हुआ है और नंबर टू पे बागपत 19 जेडी एकेडमी 15 कोर नंबर एक पर ITBP 15 हरियाणा 16 भाई 15-16 स्कोर है हरियाणा एक पॉइंट की लीड में है मध्यांतर के समय रवि अक्सर रेड में देखा नहीं जाता इस खिलाड़ी को लेकिन जरूरत है इस समय रेड की विजय मलिक 15-16 स्कोर एक पॉइंट की लीड में हरियाणा जरूर है लेकिन तीन खिलाड़ी कोर्ट में मुसीबत है बन रही है सुपर टैकल की सिचुएशन स्कॉर्पियन किक लगाने का प्रयास था रॉन्ग हैंड पर गए कोई खिलाड़ी नहीं बोलेगा आप क्यों आ जा रहे निर्णायक वहां है वो निर्णय दे रहे हैं टैकल किया था उसके बाद कोई देखिए यहां पे कोई रिव्यू सिस्टम नहीं है हमारे निर्णायक सभी जानते हैं निर्णय कैसे दिया जाना है क्या निर्णय है उसमें कोई किसी के 16-18 स्कोर दो पॉइंट के लिए अच्छा अच्छा हालांकि रेडर कोई है नहीं अंदर दिक्कत है थोड़ा पहले नहीं हालांकि यथार्थ थर्ड हैंड डूड है रवि रवि अक्सर कामयाबी मिलती है रवि को जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या फिर से कामयाबी मिलेगी वो आराम से थोड़ी टूर्नामेंट का इंतजाम होगा लेकिन यहाँ सोनू का एंकल होल्ड सपोर्ट मिला ATP
पत्थर के बाद ये स्टार्ट हुआ है। 16-22 का स्कोर है, 6 पॉइंट का भी मार्कपत के पास। अठारह स्कोर बराबर था, अब 2 पॉइंट की लीड आ गई आईडीपी के पक्ष में। ऑल आउट उन्नीस 21 स्कोर, 2 पॉइंट की लीड बढ़ गई। देखिए सुपर टैकल हुआ भी कोर्ट नंबर 2 पर, 2 खिलाड़ी थे। छटपटाहट राहुल तोमर को हुई और पॉइंट। स्कोर की बात करें तो 20-24 स्कोर है, 4 पॉइंट की लीड आईटीबीपी के पास है। सुपर टैकल के डिफेंस की बात करें, रेड रॉक की बात करें, कि जाम सी भूख दिया हर खिलाड़ी ने अपने अंदर। आप लोग अपना काम करिए, ये दे दीजिए बिसिल उन्हीं को, पकड़ा दीजिए। सुपर राइट कर्मेश
एक बार फिर से वही सोचेगा पहले भी लेकिन इस बार कामयाबी मिलेगी रोहित को भाई। 24-25 का स्कोर है, एक पॉइंट की लीड आईटीबीपी के पास है, लेकिन तीन खिलाड़ी कोर्ट में। आईटीबीपी के सुपर टैकल भी सोचे सर, लेकिन ये था देखिए भाई हमारे बीच में काफी स्कोर बराबर पेपर के स्कोर बराबर 25 आ चुके हैं और कमेटी टीम का साथ करती है। काशी वार्ता के पेपर के रोशन सिंह जी मौजूद हैं, कमेटी का जो है साथ करती है, करती है रामपाल जी को उचित स्थान पर बैठाने का कष्ट। फिर से तीन खिलाड़ी कोर्ट नंबर एक पे कितना लग के मैच चल रहा है इस समय। आईटीबीपी 26 हरियाणा 25 26 का स्कोर है। हिम्मत देखिए 30 और 22 है, 31-22 है कोर्ट नंबर दो पर। चश्मा लगाओ 28-25 कोर्ट नंबर एक पर। 23-23 स्कोर, एक पॉइंट और 32 स्कोर हो गया बात पक्का। कहीं ना कहीं विजय का बहुत जबरदस्त हाथ है यहाँ वापसी कराने में। दो खिलाड़ी थे इस एक समय और मुकाबला बराबरी पर था। विजय ने जो एक टच पॉइंट लिया था उसके बाद टीम की वापसी हुई। थर्ड रेड विजय मलिक, हल्की इंजरी हुई थी विजय को। तीन खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल की सोचा डबल एंकल होल्ड समय काटते हुए था। 26-30 स्कोर है आईटीबीपी, 4 पॉइंट की लीड में समय।
50 बोल रहा है। आप पूरा समय ले रहे हैं। डू अडाई रेड में यथा टाइम आउट लिया है। 26-32 स्कोर है। लीड आई थी के पास 6 पॉइंट लीड। डू अडाई रेड अंतिम 5 मिनट का समय शेष। विराज इस समय रेड में। अगर विराज को टैकल करने का प्रयास जरूर था लेकिन टैकल नहीं कर पाए। खिलाड़ी खास है। यथार्थ पूरी तरह से समय काट रहे हैं। अंतर और बढ़ गया है। जरूर लगाई थी। ए खिलाड़ी क्या है? दावा किया जा रहा है। क्या ग्रीन कार्ड किस किस को मिलेगा भाई? राइडर को भी और डिफेंडर को भी। भाई दोनों को ग्रीन कार्ड मिला है। वाराणसी और हरियाणा की टीम यही खेल रही है। वो रुकी रहेगी 10 मिनट बाद में। मल्टी पॉइंट के साथ
हमारे बीच सरदार पटेल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हम लोग के गुरुजन आदरणीय श्री रामचंद्र पटेल जी मौजूद हैं। हम अपने गुरु आदरणीय श्री सत्ता जी से निवेदन करते हैं कि उनको वक्त अंग वस्त्र भी ले जाइए, अंग वस्त्र और माला दोनों से सम्मानित करिए। हमारे गुरु इनके बिना जो है यहाँ प्रतियोगिता संभव नहीं है। इस विद्यालय सरदार पटेल सरकारी भवन विभाग विद्यालय का पूरा आशीर्वाद हम लोगों को भरपूर समर्थन रहता है। थैंक यू दरबार दोस्तों, चलिए दोस्तों लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्राचार्य गुरुजी का जितना भी प्रशंसा करें।